नमस्कार, मैं हूं सुषमा त्यागी और आप देख रहे हैं नज़र टुडे। आज हम एक ऐसी युवा महिला से मिलने वाले हैं जिसने किसी और क्षेत्र में अपना कैरियर न बनाकर समाज सेवा को चुना और उसने दिल्ली पुलिस को इतने नज़दीक से ऑब्जर्व किया है कि वे उनके बारे में कुछ विशेष बातें बताएंगी हमें। आइए जानते हैं उनसे उनके कैरियर का समाज सेविका के रूप में चुना, ऐसा उन्हें किस चीज़ ने प्रभावित किया जो वो एक समाज सेविका बनी। आप अपने परिचय के साथ अपने एनजीओ के बारे में बताइए। मैं मोनिका ग्रोवर, महिला हेल्पलाइन एनजीओ, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट मोतीनगर से हूँ और मैं 2016 से एनजीओ चला रही हूँ। मैंने एनजीओ 11 अप्रैल 2016 में क्रिएट की थी और महिलाओं से रिलेटेड मैं केस फाइल करती आ रही हूँ अभी तक जितने भी हो रहे हैं। और मैंने स्टार्टिंग जो पहले केस में की थी, पहले भी मैं इंटरव्यू में बता चुकी हूँ कि 2016 में मेरे पास डोमेस्टिक वायलेंस केस आया था जब मैंने एनजीओ क्रिएट नहीं की थी और दिल्ली पुलिस की एक पुलिस मित्र थी खाली। मोनिका जी, ऐसा आपको क्या लगा समाज सेवा में जो आपने किसी और क्षेत्र में अपना करियर न चुन के एक समाज सेविका बनना जरूरी समझा? समाज सेविका, मैंने पहले एक इंटरव्यू में मैम बताया हुआ है कि मैं एक नॉर्मल स्थिति में अपने ऑफिस की तरफ जा रही थी तो एक महिला बहुत डिस्टर्ब और बहुत परेशान हो रही थी। उसको मैंने हेल्प करी कि उसके किसी जेंट्स ने उसके साथ कोई बदतमीज़ी करी और मैंने उस जेंट्स को उसके साथ जाकर मैंने जेंट्स को पकड़ा और उस जेंट्स को समझाया। वो जेंट्स ने उसे रियलाइज़ किया अपनी गलती को और उसे माफ़ी मांगी। तो मुझे लगा कि कई ऐसी महिलाएँ हैं जो कि फेस नहीं करना चाहती हैं और उस चीज़ को मैंने अपने आप में देखा कि मैं खुद फेस कर चुकी हूँ उसको उस लेडीज़ के साथ, कि हर महिलाओं को मैं ये चीज़ सिखा सकूँ कि हम किसी से कम नहीं हैं। अगर हम अपने आप में खुद एक गट्स पैदा रखते हैं कि हाँ मैं इस जेंट्स को, या हम अंधेरे में जा रहे हैं या हम किसी भी चीज़ को लेकर के एक डर है उसको निकालना चाहते हैं, तो हमने मैंने वो डर निकाला, अपना भी निकाला और प्लस उस लेडीज़ का निकाला। और जो मैंने काउंसलिंग करी है जितनी भी आज तक एनजीओ क्रिएट करने के बाद, चाहे वो 18 हो या 18+ हो, मैंने उनको सिखाया और समझाया है। अच्छा, हमने जैसा हमारी जानकारी के अनुसार, जैसा कि हमारे सुनने में आया है कि आप दिल्ली पुलिस के बहुत नज़दीक हैं, बहुत ऑब्जर्व करती हैं उनको, काफ़ी उनको सम्मान भी करती हैं, उनके सम्मानित उनके लिए समारोह भी करती हैं, काफ़ी करीब से आप जानती हैं दिल्ली पुलिस को, तो ऐसा क्या उनकी आपसे, उनके कौन से कार्य हैं ऐसे जिनसे आप प्रेरित हुई जो आप दिल्ली पुलिस को इतना महत्व देती हैं? मैम, जब मैं 2009 में, एक हीरा यादव हैं जो सब इंस्पेक्टर हुआ करते थे, मैं पुलिस से बहुत डरा करती थी। जैसे जनवरी आज देखा जाएगा तो सब डरते ही हैं पुलिस से और अच्छे लोग तो यही कहते हैं कि हम पुलिस के पास नहीं जाएंगे। तो जब मैं 2008 में इंस्पेक्टर SI हीरा यादव हैं उनसे जब मिली, वो हमारे फैमिली रिलेशन की तरह हो गए, तो पुलिस से डर निकल कर मैंने 2015 में दिल्ली पुलिस के साथ पुलिस मित्र बनी मोतीनगर थाने से। पुलिस मित्र बनने के बाद वहाँ पे मैंने जैसे भी केस देखती चली गई, तो मैंने अप्रैल में अपनी एक एनजीओ क्रिएट कर ली थी और मैंने दिल्ली पुलिस को बहुत गहराई से देखा कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है घर में, इश्यूज़ हो रहे हैं घर में, उसके बाद भी वो लोग अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। मैम, अभी मैंने जस्ट 3-4 साल पहले एक हमारे, मैं नाम तो नहीं लूँगी, बट 2018 के अप्रॉक्स में एक हमारे सब इंस्पेक्टर थे, वो मेरे साथ एक काउंसलिंग में बैठे हुए थे और उनके वो IO थे, मैं काउंसलर थी उसकी। तो जब मैंने वो काउंसलिंग में देखा कि उनके घर से बार बार कॉल आ रहा था कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तब भी वो एक मेरे सब इंस्पेक्टर वहीं बैठे रहे। और बैठने के बाद 5:30 बजे मुझे पता चला कि उनकी वाइफ एडमिट हो गई है और उनका जो बेबी चाइल्ड है वो नहीं रहे। तो मैंने बहुत महसूस किया इस बात को कि अगर एक नॉर्मल ऑफिसर है तो वो, दिल्ली पुलिस का जो ऑफिसर है वो नहीं जा सका, अगर एक नॉर्मल इंसान होता तो वो अपनी वाइफ के पास ज़रूर जाता। और उनकी वाइफ बिल्कुल अकेली थी। जब मैंने 5:30-6 बजे मैं उनके साथ हॉस्पिटल गई तो मैंने उनको देखा कि एक पुलिस ऑफिसर जितना स्ट्रिक्ट हमें दिखता है वो उतना स्ट्रिक्ट अपनी फैमिली के लिए नहीं है। और वो ऐसे रो रहे थे कि उन्होंने अपना फर्स्ट बेबी खो दिया था और अभी तक उनके पास 6 साल बाद फिर एक बेटा हुआ है। तो मुझे इसलिए बहुत, मैं आपका ये मानना है कि दिल्ली पुलिस को जैसे जितनी खौफ की नज़रों से देखा जाता है, जैसे लोग डरते हैं कि नहीं नहीं पुलिस, अगर हम पुलिस के पास जाएंगे तो पुलिस हमारे साथ ऐसा करेगी वैसा करेगी, तो मतलब हाँ, ऐसा नहीं है। अंदर नहीं, से ये लोग अलग पाए जाते हैं, मतलब अंदर से अलग है और ऊपर से कुछ और होते हैं। जी मैम, ये मानना है। जी मैम, जो पुलिस हमें दिख रही है ना वो हमारी तरह ही सॉफ्ट है क्योंकि उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है। जैसे कि मेरे पास आज दिन में 10 कॉल्स भी आ जाती है तो मैं फर्स्ट एड हो जाती हूँ। और पुलिस तो 24 घंटे ड्यूटी दे रही है, आपने देखा है कि 24 घंटे ड्यूटीज दे रही है, और ड्यूटीज देने के बाद भी वो कई तरीके के मैटर्स
देख रही है कि क्या क्या उनके साथ हो रहा है, कोई लड़ाई का, कोई झगड़े का, फैमिलीज इशू भी उनके पास जाते हैं, एक्सीडेंटल केस भी जाते हैं, चोरी के भी जाते हैं, और हर तरीके के आप देख रहे हैं दुर्घटना जैसे जैसे पुलिस देख रही है, पुलिस देखती है आप देख रहे हैं। और ट्रैफिक पुलिस का मैं देख रही हूँ कि 18 आवर्स एक ट्रैफिक पुलिस काम करती है, 18 आवर्स आप काम करती है। मैं ट्रैफिक पुलिस को आज तक आपने देखा होगा, मैंने इतने सारे इंटरव्यूज दिए हैं, तो उस इंटरव्यूज में मैंने कभी भी ट्रैफिक पुलिस के बारे में कभी भी कोई भी ना तो किसी ने सवाल किया और ना मैंने जवाब दिया, क्योंकि मैंने खाकी वर्दी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया है और ट्रैफिक को मैंने अभी एक साल से देखती आई हूँ। तो वो 18 ईयर्स हमारे फजलुद्दीन हैं, हमारे सुखदेव सर हैं, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम मैं 18 आवर्स से यहाँ पर खड़ा हूँ और रात को हम लोग सोते हैं ना तो ट्रैफिक का साउंड हमारे कानों में बजता है, हमें बिल्कुल भी आराम नहीं मिलता है। और हफ्ते में एक तो ऑफ मिलता है, उन्हें एक ऑफ भी नहीं मिलता कि हम कभी एक रेस्ट भी कर लें। जैसा कि अभी सुनने में आया था कि आपको पुलिस कमिश्नर द्वारा सम्मानित किया गया, ऐसा क्या आपने किया था जो उन्होंने बुला के स्पेशली आपको, मतलब महिला दिवस पे एक समारोह में आपको सम्मानित किया गया? मैम जैसे कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में, वेस्ट डिस्ट्रिक्ट में 12 थाने हैं और 12 थानों में से महिलाओं को बुलाया गया था, तो पूरे डिस्ट्रिक्ट में से 3 ही महिलाएं हमारी थी जिन्हें सिलेक्ट किया गया था, और जिसमें से 3-4 SHOs ने मेरे नाम लिए थे। तो हमारे DCP साहब ने भी पूछ लिया था कि एकदम 2-3 कैसे नाम आप लोगों ने दे दिए हैं, क्योंकि मैंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब इन लोगों के साथ काम किया है, जैसे NGO के हिसाब से मैंने काम किया इनके साथ, और काम करने में उन्होंने मेरा नाम दिया कि मैं काफ़ी अच्छा काम करती हूँ, काउंसलिंग भी कर लेती हूँ, या रात को 12 बजे 1 बजे 3 बजे मेरा कोई टाइम शेड्यूल नहीं आने का, तो मैं उनके साथ उनकी ड्यूटी प्रॉपर करती हूँ। क्योंकि कल अभी मैं जस्ट आई हूँ और कल मैं पूरा दिन, मतलब पूरा दिन बिना चाय के भी मैं दिल्ली पुलिस के साथ काम करती रही हूँ, तो उन्हें लगता रहा कि मैं अगर दिल्ली पुलिस को सपोर्ट करती हूँ तो कहीं ना कहीं मुझे तो सम्मान देना चाहिए। ऐसा कोई अनुभव बताएंगी जो आपको पुलिस के साथ अच्छा नहीं रहा हो, या मतलब अच्छा शुरू में अच्छा नहीं रहा लेकिन आपको उसके बाद काफ़ी अच्छा हो गया हो, ऐसा कोई एक्सपीरियंस आपका, कोई अनुभव रहा हो पुलिस के साथ? नहीं, ऐसा तो नहीं रहा कि कभी मुझे पुलिस के साथ काम करना अच्छा नहीं रहा लगा या ऐसा, क्योंकि जब से मैंने पुलिस के साथ काम ही इसीलिए किया क्योंकि मुझे पुलिस के साथ काम करना अच्छा लगा, उनके तरीके जिस तरीके से वो हमारे लिए एक अपनी फैमिली छोड़ करके हमारे लिए काम कर रहे हैं। अगर आप आज की डेट में भी किसी भी पुलिस स्टाफ से बात करोगे तो आपको यही कहेंगे कि हम 3 दिन से घर नहीं गए, हम 2 दिन से घर नहीं गए, कोई हमारे जो SHOs हैं वो तो 15 डेज ही घर नहीं जाते हैं। आपकी NGO जो है ये फाउंडेशन, महिला, पूरा नाम बताएंगे अपनी? महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन, तो इसका क्या काम है, क्या क्या करते हैं ये लोग? मेरी महिला हेल्पलाइन फाउंडेशन का काम है कि मेरे पास जितने भी डोमेस्टिक वायलेंस केस होते हैं उनके लिए मैं रखती हूँ। जैसे मैंने अभी लॉकडाउन में राशन से लेके जितनी भी किसी को जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी मैंने हेल्प करी, ये सोच कर नहीं कि ये मेरा काम है, मैंने ये देख कर करी कि उसको हमारी ज़रूरत है। और प्लस जैसे ऑल स्कूल में गुड टच बैड टच और सिविल डिफेंस वगैरह की भी मैंने काफ़ी ट्रेनिंग दी है, और जो मैं 2019 से 2020 में लॉकडाउन की वजह से, स्कूल बंद होने की वजह से मैं बच्चों को टाइम नहीं दे पाई, पर अब स्कूल खुल रहे हैं जैसे, मेरी कोशिश दोबारा रहेगी कि मैं अपने वेस्ट में दोबारा अपनी लड़कियों को जागरूक करूं और उनको सेफ्टी सिखाऊं, मैं चाहती यही हूं। बाकी आगे मुझे कुछ पता नहीं कि आगे क्या होने वाला। आप किस तरह से काम करती रहेंगी? मैं आगे तो जैसे करती आ रही हूँ वैसे ही करूँगी, और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश ये करना चाह रही हूँ कि मैं अभी एक वृद्धा आश्रम बनाना चाहती हूँ, बुज़ुर्गों के लिए एक आश्रम बनाना चाहती हूँ, ये मेरा एक सपना है और मैं इसको जल्दी से जल्दी, मे भी हो सकता है मैं इस साल इसको पूरा करूँ, ये मेरा टारगेट भी है। और प्लस मुझे अंदर भावना भी है कि जो बुज़ुर्ग लोग जिनके बच्चे जिन्हें नहीं पूछ पा रहे हैं या कोई उनके आगे पीछे नहीं है, मैं उन्हें जल्दी से जल्दी एक जगह दे पाऊँ छत अपना सर छुपाने के लिए। मोनिका जी, जैसे आप दिल्ली पुलिस कर रही हैं, जब से मतलब जो भी किया है आपने दिल्ली पुलिस के लिए आपने बहुत कुछ किया है, तो क्या आपको सैनिकों के लिए कुछ करने का मन नहीं करता? बाहर बॉर्डर पे सैनिक हैं जो हमारे लिए, हमारी असली सेवा तो सैनिक ही करते हैं, तो क्या आपने कभी सोचा है कि उनकी भी वीडियोज हैं जो शहीद हो जाते हैं सैनिक, उनके लिए, उन महिलाओं के लिए भी आप कुछ करना चाहेंगी?
जी मैम, पहले सबसे पहले मैं कहूँगी जो मेरे फौजी भाई लोग हैं जो शहीद हो चुके हैं, उनकी फैमिली है, उनको नमन करूँगी कि जो हमारी रक्षा करने के लिए बॉर्डर्स पर हैं और जो जाते हैं और जो वापस नहीं भी आ पाए, उन सब की फैमिलीज़ के लिए मैंने नमन किया है। और मैम हाँ, मैं ये भी कहूँगी कि एक हार्ड ड्यूटी आर्मीज ऑफिसर्स हो गई, पैरामिलिट्रीज हो गई, इन सब के लिए भी मैं बोलूँगी कि ये लोग हम लोगों से काफ़ी दूर हैं और अपनी फैमिली से दूर हैं, उन्हें अपने घर के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सिर्फ सुन पाते हैं, उनको भी फेस नहीं कर पाते क्योंकि उनकी जो ड्यूटीज़ है काफ़ी हार्ड है। अभी मैं आपको नया एक बताऊंगी कि जैसे मैं अभी सिक्किम गई थी और मैं वहाँ पर बाबा के मंदिर में थी, तो वहाँ पे एक फौजी भैया थे, उनसे बात हुई तो वो बता रहे थे कि नॉर्मल वो हमसे बात कर रहे थे जो हमें दर्शन करने नहीं जाने दिया, तो मेरी असिस्टेंट है सपना सिंह, तो उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी कि मैं सर हम एक एनजीओ से भी हैं, एक स्टाफ से भी हैं और हमारा बहुत मन था कि हम अंदर दर्शन कर पाएँ, तो उन्होंने हमें बताया कि मैम ठीक है मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। तो वो ऐसे ही नॉर्मली हमें अपने बारे में बताने लगा कि मुझे घर गए हुए 6.5 महीने हो चुके हैं मैम और मैं नहीं जा पा रहा हूँ, मेरी एक बारी छुट्टी कैंसिल हो चुकी है। तो मैंने कहा सर क्यों? कह रहे मैम क्योंकि फ़ौज की छुट्टी पता नहीं चलती कि कब मिल जाए और कब कैंसिल हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, कह रहे कि मैम अभी ना हमारे घर में ये इशू चल रहा है कि हमारे जो रिश्तेदार हैं वो खेतों के लिए काफ़ी लड़ रहे हैं और मेरे फादर को चोट भी आई है उस चीज़ में और मैं घर जाना चाहता हूँ और मुझे छुट्टी नहीं मिल रही। तो मुझे काफ़ी रिलाइज़ हुआ कि मैं अपनी दिल्ली पुलिस के लिए कर रही हूँ या जो ये बॉर्डर्स पे बैठे हैं इनके लिए मैं क्या कर सकती थी। तो मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी उस चीज़ को, या मैं नहीं मतलब बता नहीं पा रही हूँ आप लोगों को कि मैं उनके लिए क्या कर सकती हूँ। कोशिश यही हो रही थी कि मैं कुछ कर सकूँ, मैं इनके बारे में कुछ मतलब आप समझ नहीं सकते हैं कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मैं इसके लिए क्या कर सकती हूँ। मैं दिल्ली पुलिस के लिए तो करती हूँ पर मैं इंडियन आर्मीज़ या पैरामिलिट्रीज़ इनके लिए क्या करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि इनके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं, अपनी फैमिली के लिए तो बिल्कुल भी नहीं। मेरा एक पुलिस डिपार्टमेंट का ऑफिसर जल्दी जल्दी 2 दिन 3 दिन 1 वीक 10 डेज में घर जाता है, पर वो एक पैरामिलिट्रीज या एक आर्मी ऑफिसर इजली घर नहीं जा सकता। तो आपने क्या सोचा फिर, आप क्या करना चाहेंगे उनके लिए? मैं उनके लिए करना तो बहुत कुछ चाहती हूँ बट लेकिन क्या करूँ अभी तक इस बारे में सोच नहीं पाई हूँ मैं क्योंकि वो मुझसे बहुत दूरी पर हैं, मेरा दिल्ली नहीं है, अगर मैं वहाँ पे भी जाऊँगी तो मैं सिर्फ उनकी बात ही सुन सकती हूँ बट लेकिन उनके लिए क्या करूँ मुझे अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। नहीं लेकिन उनकी जो महिलाएँ हैं, जो वीडोज हैं, जो शहीद हो चुके हैं हमारे भाई, तो वो तो ऐसी जगहों पे रहते हैं ना, आप उनके बारे में भी कुछ कर सकती हैं, उनके बारे में पता निकाल सकती हैं, जैसे आप दिल्ली पुलिस के लिए इतना करती हैं। तो आपने कभी सोचा कि जो शहीद हुए हैं उनकी पत्नियों के लिए, उनके बच्चों के लिए आप कुछ करें, कुछ yes, कदम अभी, उठाएं ठोस? अभी जो हम लोग शहीदी दिवस बनाते हैं 21 मार्च को हम शहीदी दिवस करते हैं, वैसे तो 23 मार्च को आता है, हमने दो टाइम से 21 मार्च को शहीदी दिवस बनाते आ रहे हैं। तो इस बार मैंने जो सोचा था वो ये सोचा था कि शहीदी दिवस में हम उन फैमिलीज़ को बुलाना चाहते हैं जो हमारे नियर बाय हैं, उन फैमिलीज़ को बुलाएं जो हमारे फौजी भाई शहीद हो गए हैं, उनकी फैमिलीज़ को बुलाएं और उनको सम्मानित भी करा जाए और उनकी सारी फुटपट, लेकिन इस बार ऐसा नहीं कर पाए हम, पर बाकी नेक्स्ट टाइम जो 23 मार्च आएगा उसमें मैं कोशिश करूँगी कि हम शहीदी दिवस में उस फैमिलीज़ को बुला पाएँ। और कोशिश ये भी एक रहती है जो मैंने सोची है और आगे मैंने अपनी टीम से डिस्कस किया है कि मैं कभी महीने दो महीने में इन लोगों के साथ एक फैमिली की तरह एक इन्जॉय करने के लिए, क्योंकि हर टाइम ये एक मुसीबत में ही रहे हैं, हमेशा एक खतरे में ही रहे हैं। तो एक जो भी मेरे फेस्टिवल्स आते हैं जैसे कि अब दिवाली बनाने के लिए हम लोग गए थे पिछली बार, रक्षाबंधन के लिए हम लोग गए थे, तो इस बार भी छोटे छोटे इवेंट्स पे उनके साथ जाके थोड़ा थोड़ा इन्जॉयमेंट कर पाएँ। मोनिका जी, अभी हमने सुना था कि आपने 2 ट्रैफिक पुलिस वाले को लेकर एक अभियान शुरू किया है, आप चाहती हैं कि उनका नाम सीपी तक पहुंचे, कमिश्नर, दिल्ली पुलिस कमिश्नर तक पहुंचे, तो ऐसा क्या काम किया था उन्होंने जो आप उनको इतना आगे बढ़ाने की सोच रही हैं? मैम मैंने अभी देखा कि मैंने जो दिल्ली अवार्ड फंक्शन किया था अभी 3 तारीख को, उससे पहले 10-12 दिन पहले मैंने देखा कि मैं वेस्ट के जनकपुरी वेस्ट मेट्रो स्टेशन पे खड़ी हुई थी और क्रॉसिंग से मैं भी डर रही थी कि मैं क्रॉसिंग कैसे करूं और मैं क्रॉसिंग नहीं कर पा रही थी। तो क्रॉसिंग करते हुए मैंने देखा कि एक रेड लाइट पे एक हमारे सिपाही खड़े थे और एक रेड लाइट की साइड खड़े थे, तो एक हमारी सीनियर सिटीजन महिला थी, आंटी जी, जो क्रॉस नहीं कर पा रही थी, उनके पास एक थैला सा था तो वो क्रॉस करती थी और बैक हो जाती थी, क्रॉस करती थी और बैक हो जाती थी। तो हमारे ट्रैफिक वाले ने देखा और अपने ट्रैफिक को सबको रुकवाया
इधर से और ट्रैफिक करके आंटी जी को अपने हैंड में लिया, तो आंटी जी प्रॉपर नहीं आ पा रही थी हैंड में, जो कि दूसरा ट्रैफिक वाला भी है, तो दोनों ने अपने शोल्डर्स पे उनको ऐसे रखा और दोनों ने क्रॉस करवाया उसको धीरे धीरे स्लो में, और ऐसे उठा लिया उनको कि पैरों से भी ना चल पाए और शोल्डर से ऐसे दोनों को उठा करके क्रॉस करवाया। मतलब जैसे बच्चे माँ को उठा के ले जाते हैं, जैसे एक बच्चा माँ को या माँ बच्चे के लिए, जैसे लगा लो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बस ये था कि मैं वीडियो नहीं बना पाई, सिर्फ उन पे फोकस करके उनको देख पा रही थी। तो उन्होंने क्रॉस करवाया, कराने के बाद एक रिक्शा लिया, ऑटो रिक्शा में उनको बिठाया, और नवनीत जिनका नाम नवनीत जी है जो तिलक नगर सर्कल में चल रहे हैं ट्रैफिक में, उन्होंने अपनी पॉकेट से पैसे निकाले और उस ऑटो रिक्शा वाले को दिए और बिठाया उनको, और माता जी को बोला, एक कागज़ पे लिखा कि मेरा नंबर है माता जी, अगर आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मुझे कॉल कर देना। और मैं देख रही थी, इतने में मैं वहाँ जाकर के जब पहुँची, नवनीत सर और सुरेंद्र मलिक दोनों थे, सुरेंद्र मलिक थे और एक नवनीत जी थे, दोनों से मैंने बात करी कि सर आपने ऐसा किया, क्या ऐसे ट्रैफिक पुलिस वाले भी होते हैं, क्योंकि ट्रैफिक पुलिस की मैंने कभी वो फेस कभी देखा ही नहीं था, छवि नहीं, मतलब कभी मैं उनके क्लोज गई ही नहीं इस चीज़ को लेकर, मैंने फर्स्ट टाइम देखा। और मैंने देखा कि उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मैम ये तो हमारी ड्यूटी है, अगर ये पार्ट इसको अगर इस पार्ट को अपनी ड्यूटी समझते हैं ना, तो मैं उनको भी सैल्यूट करूंगी कि वो इस चीज़ को अपना एक पार्ट समझ रहे हैं जॉब का। और मेरे हिसाब से वो एक जॉब ना समझकर एक बेटे की तरह, जो मैं अपनी फीलिंग से देख पा रही थी कि जैसे एक माँ को क्रॉस करवाते हैं बुजुर्ग बुढ़ापे में, उस तरीके से उन दोनों ने उसको क्रॉस करवाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे CP साहब हों, मेरे ट्रैफिक दिल्ली पुलिस के जो DCP साहब हों, मैं उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इनको भी गुड वर्क में सम्मानित किया जाए। तो अभी सुना आपने मोनिका जी के विचार, आप देखते रहिए नज़र टुडे, और हम आगे भी ऐसी ही कुछ महिलाओं को या ऐसे ही कुछ पुरुषों के द्वारा आपको बताते रहेंगे कि वो समाज सेवा क्यों करना चाहते हैं। नमस्कार।